यही वजह है कि अपने घोषणा पत्र में किए गए वादियों को पूरा करने की भी कवायद तेज हो गई है, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का भी ऐलान किया गया, जिसके लिए परिवहन विभाग को बुजुर्ग महिलाओं के फ्री बस यात्रा का निर्देश दिया गया है। यूपी की बुजुर्ग महिलाओं के लिए खुशखबरी है, आने वाले समय में ये महिलाएं प्रदेश में कहीं भी रोडवेज बस में फ्री सफर कर सकती है। इसके लिए शासन ने कवायद तेज कर दी है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने सफर करने वाली इस आयु वर्ग की महिलाओं का सर्वे करने का निर्देश दिया है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी गई है। मुफ्त सफर कराने पर शासन ने प्रतिपूर्ति हासिल करने का सुझाव तैयार किया है। इसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा कराने के एवज में हर महीने 99 रुपए का भुगतान करने पर उसी महीने में जितनी बार चाहे बस में सफर कर सकती हैं। बुजुर्ग महिलाओं को साधारण बस में नहीं ऐसी बसों में भी मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन महिलाओं को बस अड्डे पर अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसे लेकर शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पता लगाएं कि एक दिन में कितनी बुजुर्ग महिलाएं सिटी बसों में और तमाम परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें सफर करती हैं। इस वक्त हम कैसर बाग में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं सफर करने के लिए आती हैं, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही प्रमुख सचिव परिवहन निगम ने इस बात का निर्देश दिया था कि जो भी बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हैं, चाहे वो पिंक बस सेवा हो, चाहे जनरत हो, चाहे सामान्य बसें हो, सिटी बस सेवा हो, इन सब में जो बुजुर्ग महिला हैं यानी 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, इनको फ्री यात्रा जो है वो कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जारी घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया था, के एक वादे को जल्द ही पूरा करने की कवायद में योगी सरकार जुटी है, जिसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन बस सेवा में मुफ्त सफर कराएगी। क्षेत्रीय प्रबंधकों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तमाम क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इस बात का पता लगाएं कि कितनी महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग महिलाएं सफर करती हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की ने भी महिलाओं को फ्री बस यात्रा का ऐलान किया था और उसके बाद ये जब चुनाव 2022 का चल रहा था तो उस वक्त तरह तरह के दावे किए गए। अब इंतजार इस बात का है कि ये काम कब पूरा होगा और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको इस तरह का सफर कब नसीब होगा, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ में नियुक्ति की